फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि 6 मंथ हो चुके हैं फाइल लॉक हुए को, लेकिन अभी तक कोई भी टैक्स फिल नहीं किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इसका आंसर है कि भाई, आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको कार्ड इशू किया जाता है, रेजिडेंसी परमिट आपको दिया जाता है पुर्तगाल में। क्यों दिया जाता है? ताकि क्योंकि आप यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर टैक्स ही नहीं पे करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको कार्ड कैसे मिलेगा? जब आपकी बायोमेट्रिक आएगी और आप 3 टैक्स लेकर 4 टैक्स लेकर 6 टैक्स लेकर आप आईमा में जाएंगे, और तो आपको क्या लगता है कि आपका कार्ड इशू हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो कार्ड है वो होल्ड पर रख सकते हैं, आपको परेशान होना पड़ सकता है, लंबे टाइम तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अच्छा यही होगा कि जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है टैक्सेस की, 12 टैक्सेस की, वो आप कंटिन्यू फिल करते रहें रेगुलर तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कार्ड इशू होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, आपके टैक्स चेक किए जाते हैं कि इनका प्रॉपर तरीके से टैक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि टैक्स के बेस पर ही आपका रेजिडेंसी कार्ड इशू होता है। अगर आप वो ही आप नहीं देंगे, तो आपको कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका TRC कार्ड आपको रिसीव होगा? तो टाइम टू टाइम सारे टैक्स आप फिल करते रहें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, और अगर वीडियो समझ आ चुकी है तो वीडियो को आके ज़रूर शेयर कर दें, ताकि औरों को भी ये वीडियो मिल सके और उनकी हेल्प हो सके जिनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल का भी आइकन दिया है, उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। इससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहेंगी, जो भी मैं लेटेस्ट लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।